गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स इज द एबनॉर्मल डिसेंट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेक्टम थ्रू द एनस, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन का है रेक्टम के द्वारा एनस से बाहर आना। इट इज़ अ कॉमन बिटवीन 3 to 3 and 5 ईयर्स ऑफ द एज, यानी ये जो कॉमन होती है 3 से 5 साल के बच्चों में। रेक्टल प्रोलैप्स बिफोर हाफ ए पार्ट ऑफ द रेक्टम बिकम्स ओवर एक्सटेंडेड एंड ओवर हैंग्स फ्रॉम द एनस। देर आर 3 काइंड्स ऑफ द रेक्टल प्रोलैप्स। पार्शियल प्रोलैप्स बी फॉल्स व्हेन द लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेक्टम स्लिथर्स आउट ऑफ प्लेस, यूजली व्हेन यू आर स्ट्रेन एंड हैव ए बाउल मूवमेंट। कंप्लीट प्रोलैप्स बी फॉल्स व्हेन द वॉल ऑफ द रेक्टम स्लिथर्स आउट ऑफ द प्लेस एंड ओवरहैंग्स फ्रॉम द एनस। इंटरनल प्रोलैप्स इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेप्शंस। दिस बी फॉल्स वैन वर पार्ट ऑफ द होल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम स्लिप्स इन टू द ओवर अनदर पार्ट इन ग्रो अप्स। इंटरसेप्शन इज टिपिकली रिलेटेड टू अनदर इंटेस्टाइन इश्यू सच ए पॉलिप और ट्यूमर। इटियोलॉजी ऑफ टू थ्योरीज है एलेक्सिस मस्कोविट्स एंड ब्रॉडन एंड सेलिवान। ए सेलिंग हर्निएशन ऑफ द पाउच ऑफ द डक्स थ्रू द पेल्विक फ्लोर फिसल इन टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रेक्टम, यानी उनके अनुसार एक हर्निएशन है, जो कि हर्निएशन मतलब जैसे बताया कि मैंने एक पाउच होता है ऑर्गन्स का रेक्टम के द्वारा बाहर आना, यानी ए फुल थिकनेस रेक्टम इंटरसेप्शन स्टार्टिंग अबाउट 3 inches अबव द डिनेट लाइन। मोर कॉमन आफ्टर 7 degrees फीमेल मेल 6:1 आल्सो कॉमन बिफोर 3 years टू एज मेल एंड फीमेल 1 year। इटियोलॉजी कॉन्स्टिपेशन विद कंपोनेंट ऑफ स्टेरिंग डायरिया 50%। स्पेसिफिक एनाटॉमिक स्ट्रक्चर डायलेटिसिस ऑफ लिवर टर्नी एबनॉर्मली डीप कल्डिसेक रिडेंटेंट सिग्मोइड कोलन पेटुलस एनस स्फिंक्टर लॉस ऑफ रेक्टल स्कट अटैचमेंट देन मल्टी पेरिटी न्यूलिपेरिटी 50%। कुडिनियल नर्व डिमेज ऑब्स्ट्रक्टिव डायबिटिक न्यूप्लास्टिक क्लिनिक फीचर्स देन मिनिमल ऑफ स्पॉन्टिन्यूस मैनुअल रिडक्शंस एंड इनकर्सिडेशन प्रोलैप्स फेशियल इनकॉन्टिन्यूस सेंसेशन ऑफ क्रॉनिक मॉइस्चर म्यूकस ड्रेनेज एंड पेरिफेरल एरिया क्रॉनिक प्रोलैप्स थिकन एंड अल्सर म्यूकोसा ब्लीडिंग देन मोस्ट कॉमन फैक्टर्स आर इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर्स ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन ब्लडी डायरिया फ्रीक्वेंट प्रेशर्स ऑफ स्टूल एंड रेक्टम अल्सर प्रोलॉन्ग सिगरेटिंग सीवर मालन्यूट्रिशन एंड लॉस ऑफ इंस्टीट्यूट रेक्टल फैट। अब डिफरेंट डायग्नोसिस रेक्टल प्रोलैप्स एंड प्रोलैप्स हेमरॉइड। फोल्ड एंड ऑलवेज कंसीडरेशन इजीली प्रेडिक्टेबल एंड पेनलेस, ये पेनलेस होते हैं और फोल्ड अप होते हैं जैसे डायग्राम में दिखाया गया। दूसरा है प्रोलैप्स हेमरॉइड्स इन पाइल्स के साथ रेड इन इन्वेजिनेशन एक्सट्रीम पेन वन द कैन बी एकोमोडेटेड बाई फीवर एंड यूरिनरी रिटेंशन। इन्वेजन क्या करते हैं डिटेल हिस्ट्री लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कोलोनोस्कोपी करते हैं इन्फेक्शन पेरिनियम क्रॉस वोल्वेशन सीटिंग ऑफ सिक्विन स्टील एक्सोलिजन डिफिकोलोग्राफी देन पिनोडर्मल नर्व टर्मिनल मोटर हेमिसिस। न्यूप्लाज में बी लीड टू पॉइंट सस्टेटिबल एज ग्रुप जैसे एनाल होनोमेट्री प्रोग्रेसिव सिग्निफिकेंस ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव इन टोलिकंटिन्यूस यूजली नॉट डन। ट्रीटमेंट कहते हैं मोर देन 15 प्रोसीजर होते हैं इसमें। चॉइस ऑफ द प्रोसीजर पेशेंट एज पर डिपेंड करती है पेशेंट कोमोरबिडिटी एंड सर्जन एक्सपीरियंस एंड प्रेफरेंस टू अप्रोच एब्डोमिनल एंड पेरिनियल, यानी पेरिनियल्स भी इसको हम मैनेज कर सकते हैं एब्डोमिनल ओपन यानी ओपन करके लिप्रिस्टिन वॉल्स रिसेक्शन एंड रेक्टोपेक्सी सूचर एंड मेस रेक्टोपेक्सी। दूसरा पेरिनियल में एनाल एंड सीरेसमेंट म्यूकेजल रिसेक्शन पेरिनियल रेक्टोसिग्मोडेक्टोमी एब्डोमिनल अप्रोच मोबिलाइजेशन ऑफ रेक्टम प्लेसमेंट ऑफ प्रोस्थेटिक मेस अराउंड रेक्टम अटैचमेंट ऑफ मेस एंड प्रो प्रेसाइक्लर फेशिया रिकरेंट रेट 3 to 50% कॉम्प्लिकेशन कॉन्स्टिपेशन लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इरेक्शन ऑफ मेस यूटेरिक इंजुरी एंड फाइब्रोसिस स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। वॉल्स प्रोसीजर रेक्टल मोबिलाइजेशन मेस कैप इन द मोस्ट एक्सपोज रेक्टल फेशियल फेशिया प्रॉपर फिक्स टू द फेसरल फेसिया रिकरेंट रेट
3 to 5% complications same that with the Rifstin. Advice of low constipation rate. Resection rectopexy. Frickman Goldman of procedure sigmoid colon and rectum mobilized. Reductant sigmoid colon reductant anastomosis complete. Rectopexy suture applied. Complication anastomatic leak. Deflection problem. Recurrence rate 2 to 5%. Ideal for individual with reductant sigmoid colon, prominent constipation. Perineal pause. Perineal proctosigmoidoscopy. Mucus बोलते हैं जिसको यूरोप यानी माइल्स यूके और एटमिलियर यूएसए यानी एक नाम दिए गए सर्जरी को जिस प्रोसेस में पेरिनियल प्रोक्टोसिग्मोडेक्टोमी कहते हैं. अल्टीमियर प्रोसेस क्या क्या होते हैं. सर्किफ्रेंस इंसीजन टू रेक्टम प्रोक्सिमल टू डेंटल डेंटल लाइन डिलीवर द रिडन टू रेक्टम एंड सिग्मोड कोलन. लिगेशन ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ रेक्टम. रिसेक्शन ऑफ द कोलन 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 एनाल एनास्टोमोसिस एनाल इंसर्सलेमेंट यानी इसको बोलते हैं थ्रस्ट मेथड. मटेरियल यूज करते हैं इसमें सिल्वर वायर स्टेनलेस स्टील नाइलोन स्यूचर यूज करते हैं और सिलास्टिक बैंड और प्रोनिंग यूज करते हैं. रिकरेंट रेट जो रहती है मोर देन 30%. कॉम्प्लिकेशन क्या सकते हैं इसमें इरोशन इन टू स्पेंटर फिस्टुला इन्फेक्शन रेक्टल प्रोलैप्स इन कार्सरेशन एंड फिकल इम्पेक्टेशन. देन इज शॉर्ट टॉपिक ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स इज क्लियर. Thank you, everyone.